भारतीय टेस्ट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा मैदान पर लंबे समय से संघर्ष करते नजर आए हैं। टेस्ट स्पेशलिस्ट पुजारा के बल्ले से रनों का सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने साल 2020 से लगभग 29 की निराशाजनक औसत से 52 पारियों में केवल एक शतक बनाया है। हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ पुजारा संघर्ष करते नजर आए थे। यही वजह है आज हम आपको बताएंगे उन तीन युवा खिलाड़ियों के नाम जो अब टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस करके भारतीय टेस्ट टीम की नई दीवार बन सकते हैं। पहला नाम है यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, 21 वर्षीय यशस्वी जायसवाल चेतेश्वर पुजारा की जगह टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जायसवाल को बतौर स्टैंड बाय प्लेयर टीम में शामिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि आगामी वेस्ट इंडीज दौरे पर जायसवाल को भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। बता दें कि जायसवाल ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक 15 मैचों में लगभग 80 की औसत से कुल 1845 रन बना चुके हैं। दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, 26 वर्षीय ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ऐसे यंग टैलेंट है जिन पर चयनकर्ताओं ने करीब से नजरें बनाई हुई हैं। यह दाएं हाथ का खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर वनडे और T20 फॉर्मेट में अपना डेब्यू कर चुका है, लेकिन अब तक उन्हें बड़े नामों के बीच ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। हालांकि अब चेतेश्वर पुजारा के खराब दौर के बीच ऋतुराज गायकवाड़ के नाम पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि WTC फाइनल में गायकवाड़ भारतीय टेस्ट टीम में बतौर स्टैंड बाय प्लेयर शामिल थे, लेकिन वह निजी कारणों की वजह से इंग्लैंड नहीं जा सके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गायकवाड़ ने अब तक लगभग 42 की औसत से 28 मैचों में 1941 रन बनाए हैं। तीसरा नाम है श्रेयस अय्यर। भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टेस्ट स्क्वाड में पुजारा को रिप्लेस कर सकते हैं। श्रेयस फिलहाल इंजरी के कारण क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन इस दाएं हाथ के बल्लेबाज की जल्द मैदान पर वापसी हो सकती है। श्रेयस टेस्ट टीम के अहम सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 10 टेस्ट मैचों में लगभग 44 की औसत से कुल 667 रन बनाए हैं। इस दौरान वह एक शतक और 5 अर्धशतक ठोक चुके हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आगामी समय में वह चेतेश्वर पुजारा की रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टेस्ट टीम की नई दीवार बन सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।